तो अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली 6। तो ये चिकन का पीस देखो यार। तो अगर आपको डक खाना है तो विंटर में आइए, आपको मिलेगा। तो अभी एक एक करके आइटम देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो ये है चिकन पैटी चीज बर्गर। इतना छोटा, अबे यार ये तो वही मालगाड़ी है यार। ट्रेन से पहले हम पहुंच गए। वेलकम बैक टू माई चैनल। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता दूं, मैं हावड़ा में फूड का फोटोशूट कर रहा हूँ जोमेटो के लिए। तो उसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारा रेस्टोरेंट में जाना पड़ रहा है। आप लोगों को हर एक रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या आइटम आपको मिल रहा है। तो अगर पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं दिल्ली 6। यार दिल्ली वालों, हमारे यहाँ पर भी दिल्ली 6 है। तो यहाँ पे फर्स्ट आइटम चिकन तंदूर, और नेक्स्ट आइटम चिकन हरियाली कबाब, और ये है एग फ्राइड राइस, और ये रहा नान, और ये है तंदूर रोटी, और ये है चिकन कोल्हापुरी जो कि यहाँ की स्पेशल आइटम है, और ये है चिकन बिरयानी। तो ये चिकन का पीस देखो यार कितना बड़ा है। तो यहाँ की एक चीज़ मुझे खास लगा है, वो है बिरयानी का जो चिकन है। तो आपको सब लेग पीस ही मिलेगा, आपको अलग से बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे लेग पीस ही चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ लेग पीस ही मिलता है। और ये है मटन बिरयानी। अगर आप यहाँ के मटन बिरयानी ट्राई करना चाहते हो तो आपको बता दूं कि यहाँ पे मटन बिरयानी में भी 2 पीस आपको मिलेगा मटन। ये है एग चाउ और ये है मिक्स चाउ। तो भैया यहाँ पे आने के लिए सबसे आसान रूट कौन सा है? यह अशोक नगर स्टेशन से जो बिल्डिंग मोड़ आता है, अशोक नगर जैसे बाइक से ट्रेन से आएंगे तो अशोक नगर स्टेशन से जाके किसी को पूछना है शेरपुर कालीबाड़ी कहाँ पड़े, शेरपुर कालीबाड़ी में दिल्ली 6 दिखाई देगा। अगर बस में आएगा तो बिल्डिंग मोड़ उतरना पड़ेगा, उसके बाद किसी को पूछेगा शेरपुर कालीबाड़ी कहाँ से आएगा, 5 मिनट का रास्ता है पैदल। दिल्ली 6 का स्पेशल आइटम कौन कौन सा है? दिल्ली 6 का वो स्पेशल आइटम है, वो है दिल्ली 6 का कबाब जो है, बिहारी मिलता है, मटन पाया मिलता है, और एक चीज़ व्यापार मिलता है जो विंटर में मिलता है डाक करी, यह का स्पेशल आइटम है। और सबसे स्पेशल आइटम जो है चिकन कोल्हापुरी है, यहाँ पर कोई जगह पर नहीं मिलता चिकन कोल्हापुरी, ये दिल्ली 6 का फेमस आइटम है चिकन कोल्हापुरी। तो अगर आपको डक खाना है तो विंटर में आइए, आपको मिलेगा, क्योंकि डक करी हर जगह पे नहीं मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चिकन कोल्हापुरी एक बार ट्राई करके जाना जरूर। और एक स्पेशल आइटम है वो क्रैब करी जो है, यहाँ पर क्रैब यहाँ का स्पेशल आइटम है। तो क्रैब भी है भाई। तो यहाँ पे हो गया अपना काम ख़त्म और हम जा रहे हैं अभी दूसरी रेस्टोरेंट पे। तो चलो जल्दी चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, कब घर जाऊँगा पता नहीं। ये रहा QFC। So, अभी हम पहुंच गए हैं QFC डार्क नाइट। ये नॉर्मल QFC नहीं है, इसमें डार्क नाइट भी ऐड किया गया है। तो यहाँ का इंटीरियर कुछ ऐसा है। तो अभी एक एक करके आइटम देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो मैं भी फोटोशूट करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो अभी बजने वाला है 10, रात के 10। यार अभी तक यही पे अटका हुआ हूँ, कब घर जाऊंगा भाई, कब घर जाऊंगा। तो फर्स्ट आइटम चिकन पॉपकॉर्न, और ये रहा चिकन ब्रेस्ट, और ये है चिकन विंग्स, तो ये है चिकन पैटी चीज बर्गर फ्रेंच फ्राई, और ये रहा क्रिस्पी चिकन लेग, और ये रहा चिकन स्ट्रिप, तो ये है डबल पैटी चीज बर्गर, और ये रहा क्रिस्पी चिकन पकौड़ा, तो ये रहा रेड मैंगो टिप्सी, और ये रहा ब्लू लेमन। सो अभी यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी बज रहा है 11:15। तो पहले भैया आपका नाम बताइए। लंबा बहुत है इसलिए झुकना पड़ रहा है। मेरा नाम देवाशीष मंडल है। तो बताइए, हावड़ा से एक ही रोड है जैसा रोड, और यहाँ का दूसरा रास्ता है वो जीराट रोड है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन जैसा रोड अच्छा है। अच्छा है, तो आप नेविगेशन देख के भी आ सकते हो। QFC डार्क नाइट आप सर्च कर लेना भाई, आपको नेविगेशन पे दिख जाएगा। और आप लोगों का स्पेशल आइटम कौन सा है? यहाँ का स्पेशल देखिए, आप सब कुछ ही है, बर्गर वगैरह है, क्रिस्पी ऑल आइटम्स एंड मॉकटेल्स। तो आप लोग जरूर आना और क्रिस्पी चिकन ट्राई करना, और बताइएगा कि KFC से अच्छा है क्या बुरा, तो मुझे कमेंट करके बताना भाई। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, घर जाने में अभी 1 घंटा लगेगा। चलो टाटा।
इतना छोटा। देखा जाच्छे जा तो चलो आ रहा है ट्रेन। आओ सांबा आओ 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 आओ। अबे यार ये तो वही मालगाड़ी है यार, ट्रेन से पहले हम पहुंच गए। सो गुड मॉर्निंग भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग। तो यार आग देखो अब तक नहीं खुल रहा है और अभी चल रहा है फोटो अपलोड। कल रात घर आने में 12:30 बज चुका था, उसके बाद फ्रेश होके डिनर करके लगभग बज चुका था देर, यानी कि रात के देर। तो 4 रेस्टोरेंट का फोटोज मैंने कल रात को ही अपलोड कर दिया था। तो उसके बाद ना यार और बैठ नहीं पा रहा था, इतना नींद आ रहा था और इतना थकावट हो रहा था। तो अभी बाकी का काम निपटाएंगे और रेडी होके फिर से निकल जाएंगे काम पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड goodbye।